तभी काफी हाइप के बाद नार्जो सीरीज फाइनली इंडिया में लॉन्च हो गई है। फोन में से मेरे पास आ गए थे 3-4 दिन पहले, मैं वेट कर रहा था रियलमी का एम्बार्गो खत्म होने का। तो आज बात करेंगे नार्जो 10 की, मैं आपको बताऊंगा मेरा अभी तक का क्या एक्सपीरियंस रहा है इस फोन के साथ, क्या चीजें मुझे अच्छी लगी है, क्या चीजें खराब लगी है, आपको ये फोन कंसिडर करना चाहिए या नहीं, या फिर कोई और बेटर ऑप्शन है जो आप ले सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। नार्जो डिवाइसेस पहले डिवाइस थे लॉकडाउन के बाद जो मेरे पास आए हैं, तो इसलिए मैंने इनकी थोड़ी प्यार से अनबॉक्सिंग करी थी। बट फोन पे आ जाते हैं तो ये है नार्जो 10, और वैसे इसका जो बेसिक बॉडी वगैरह है वो सेम है जो आपको रियलमी 5, 5S, 5i इन सब पे मिली थी। कैमरा बम, बटन प्लेसमेंट, पोर्ट्स वगैरह सब चीज एकदम सेम है। बैक डिजाइन यहाँ पे रियलमी ने थोड़ा चेंज कर दिया है, नया डिजाइन है, ये लेजर लाइट टाइप का आपको पैटर्न मिलता है। मुझे ऑनेस्टली उतना अच्छा नहीं लगा, थोड़ा पता नहीं पुरानी प्लास्टिक टाइप की मुझे फील दे रहा है डिजाइन देख के। पर एक चीज यहाँ पे जो इम्प्रूव कर दी है रियलमी ने फाइनली, भाई टाइप सी पोर्ट आपको मिल गया है। आगे की साइड आ जाते हैं तो आगे आपको गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन मिलती है, ऊपर से एक टेम्पर्ड ग्लास भी रियलमी ने आपको लगा के दिया है। स्क्रीन पे आ जाते हैं तो वही सेम 6.5 इंच की LCD स्क्रीन आपको मिल रही है जो रियलमी 5 सीरीज पे थी। अब इस स्क्रीन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये भी 720p रेजोल्यूशन की स्क्रीन है, फुल HD यहाँ पे नहीं मिलता है हमें, और वैसे तो डे टू डे यूजेज में उतना पता नहीं चलता है, बट ऑब्वियसली मल्टीमीडिया कंजम्पशन में आप फुल HD में स्ट्रीम नहीं कर पाओगे यूट्यूब, नेटफ्लिक्स वगैरह। और ये मतलब एक मैं नेगेटिव मानूंगा इस फोन का, क्योंकि इस प्राइस रेंज में बाकी सारे फोन जो है मोस्टली आपको फुल HD स्क्रीन सब पे मिलेगी। परफॉर्मेंस पे आ जाते हैं तो यहाँ पे बस एक मॉडल लॉन्च किया है रियलमी ने, 4GB रैम है, 128GB स्टोरेज है, और जो प्रोसेसर हमें यहाँ पे मिल रहा है वो है हीलियो G80 चिपसेट। अभी नाम से आपको ऐसा लगेगा कि हीलियो G90 के पास का है जो आपको रियलमी 6 में मिलता है, बट ऐसा नहीं है। बेसिकली जो हीलियो G70 जो हमें रियलमी C3 में मिला था उसी का एक थोड़ा ओवरक्लॉक्ड वर्जन है। कोर थोड़े से हाईर क्लॉक पे है, जो GPU है वो थोड़ा सा हाईर क्लॉक पे है, पर फिर भी बहुत दमदार चिपसेट है। आप देख सकते हो यहाँ पे Geekbench स्कोर, और कंपेयर करने के लिए अगर आप देखोगे Snapdragon 665 के सामने तो थोड़ी सी बेटर परफॉर्मेंस ही हमें यहाँ पे मिल रही है। तो डे टू डे परफॉर्मेंस तो मैंने यहाँ पे जितना भी यूज करा है मुझे यहाँ पे बिल्कुल दिक्कत नहीं हुई है, पर इस फोन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस। PUBG में अगर आप देखोगे तो HD ग्राफिक्स हाई फ्रेम रेट तक ये सपोर्ट करता है, और बैलेंस्ड पे खेल के आप अल्ट्रा तक भी जा सकते हो। यहाँ पे स्मूथ एक्सट्रीम का यहाँ पे हमें डायरेक्टली ऑप्शन नहीं मिलता है, बट अगर आप GFX टूल से करना चाहोगे तो वो आप कर सकते हो। अल्ट्रा फ्रेम रेट का ऑप्शन भी एक बहुत बड़ी बात है, अगर आप इसे कंपेयर करो Snapdragon 665 वाले फोन से तो उसमें तो आपको मीडियम फ्रेम रेट के ऊपर का ही ऑप्शन नहीं मिलता है। पूरा डेडिकेटेड अगर आपको गेमिंग टेस्ट देखना है तो Helio G70 वर्सेस Snapdragon 665 मैंने एक टेस्ट किया था, लिंक आपको यहाँ मिल जाएगा, बट गेमिंग परफॉर्मेंस आप यहाँ पे एकदम बढ़िया मान सकते हो। मैंने ऑलमोस्ट 3-4 गेम्स इस पे बैक टू बैक खेले थे, मोस्टली मुझे एकदम अच्छा परफॉर्मेंस वहां से मिला। बीच बीच में बहुत थोड़े थोड़े कहीं पे मुझे लैग या स्टटर देखने को मिले, और अगर आपको थोड़ा और कंसिस्टेंट एक्सपीरियंस चाहिए हो तो आप थोड़ा सा फ्रेम रेट कम कर सकते हो। यहाँ पे इसको एक्चुअली फायदा हो जाता है कम रेजोल्यूशन स्क्रीन का, तो उसकी वजह से प्रोसेसर को थोड़ी कम जान लगानी पड़ती है, और ओवरऑल जो गेमिंग एक्सपीरियंस है इस फोन के लिए काफी बड़ा पॉजिटिव है। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस आपको सेम मिल रहा है, रियलमी UI मिल रहा है एंड्रॉइड 10 के साथ, काफी अच्छी स्मूथ यहाँ पे फंक्शनिंग है, पर बहुत सारा ब्लोटवेयर मिलेगा, तो जैसे ही फोन दो ये सारी एक्स्ट्रा एप्स यहाँ से आप डिलीट कर देना। इसके अलावा रियलमी के ब्राउजर में भी आपको कुछ ऐड देखने को मिलेंगे कभी कभी, तो अगेन इसके ब्राउजर की आप नोटिफिकेशन ऑफ कर देना। नेक्स्ट आ जाते हैं बैटरी पे, तो रियलमी 5 की तरह यहाँ पे भी 5000 mAh की बैटरी मिल रही है। बैटरी टेस्ट में इसका जल्दी करने वाला हूँ, बट आप आराम से मान सकते हो 8 घंटे से ऊपर का स्क्रीन ऑन टाइम आपको यहाँ से मिल जाएगा। और एक चीज यहाँ पे जो अच्छी कर दी गई है कि अब 18W फास्ट चार्जिंग यहाँ पे मिल रही है। तो रियलमी 5 सीरीज का जब मैंने बैटरी टेस्ट किया था उसको 3 घंटे से ऊपर लगता था फुल चार्ज होने में। यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गया होगा वो टाइम। इसको जब मैंने 0 to 100 चार्ज किया तो अभी भी 2 घंटा 45 मिनट टाइप इसको लग रहा है, तो इतना ज्यादा कुछ फायदा नहीं लगा मुझे उस 18W चार्जिंग का। और इनफैक्ट जो पहले 1 घंटे या पहले आधे घंटे की भी जो चार्जिंग स्पीड है उसमें मुझे ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं पता चला रियलमी 5 से, जिसमें 10W चार्जिंग थी। एटलीस्ट ऐसा होना चाहिए था कि पहले आधे घंटे में 30-40% ये फोन चार्ज हो जाए, या फिर रियलमी की जो पुरानी वूक चार्जिंग थी 20W वाली वो यहाँ पे दे सकता था वो। तो मतलब ओवरऑल बैटरी एक्सपीरियंस तो अच्छा ही है क्योंकि बैटरी लाइफ इतनी अच्छी है, बस वही
है कि Realme की चार्जिंग स्पीड से मैं जनरली बहुत ज्यादा खुश रहता हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा लेट डाउन फील हुआ। फाइनल चीज आ जाती है कैमरास। तो जो रियर कैमरा सेटअप है यहाँ पे एकदम सेम है जो आपको Realme 5S में मिला था। बॉड कैमरा सेटअप है, 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी है। कैमरा सैंपल्स में इससे कुछ ले चुका हूँ और यहाँ पे मतलब मैं एवरेज मानूंगा कैमरा परफॉर्मेंस। डे टाइम में बहुत अच्छी लाइट में तो ठीक ठाक फोटो ले लेता है, लो लाइट में पर काफी खराब हो जाती है परफॉर्मेंस। आई थिंक Realme ने यहाँ पे सैमसंग का ही सेंसर यूज किया है 48 मेगापिक्सल वाला। वाइड एंगल तो अनचेंज्ड ही चल रहा है पिछले साल से, वही सेम चीज है। लो लाइट में किसी काम का नहीं है, दिन में फिर भी ठीक ठाक फोटो ले लेता है। सेल्फी पे आ जाते हैं तो 16 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा करें तो रियर कैमरा से आप 4K वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर सकते हो। 1080p 60 ही मैक्स ऑप्शन है। तो ओवरऑल कैमरा परफॉर्मेंस मतलब ठीक ठीक है। 11,000-12,000 में आपको बाकी भी जो फोन मिलेंगे Vivo U20, Redmi Note 8 सब में ऑलमोस्ट सेम लेवल का ही परफॉर्मेंस मिलेगा। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस Narzo 10 के साथ। अच्छी चीजों की बात करूं तो गेमिंग परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे बढ़िया मिल रही है, बैटरी लाइफ आपको यहाँ पे बढ़िया मिल रही है, टाइप सी पोर्ट आपको मिल जा रहा है और क्वाड कैमरा सेटअप आपको पीछे मिल रहा है। नेगेटिव्स की बात करूं तो सबसे बड़ा नेगेटिव मेरे लिए वही है कि भाई 720p रेजोल्यूशन की स्क्रीन है। इसके अलावा जैसा मैंने बोला कि वो फास्ट चार्जिंग का उतना ज्यादा फायदा मुझे यहाँ पे नहीं दिखा। अब इस फोन का जो प्राइस रखा है Realme ने 12,000 रखा है और उस प्राइस के लिए एक अच्छा पैकेज है ये। बस ये 720p स्क्रीन से मुझे प्रॉब्लम है क्योंकि इस प्राइस रेंज में जो आपको बाकी फोन मिलेंगे जैसे Redmi Note 8 है, Vivo U20 है, सब में आपको फुल HD स्क्रीन मिल जाएगी। Redmi Note 8 में तो खैर गेमिंग उतनी अच्छी नहीं है, बट Vivo U20 में तो आप गेमिंग भी अच्छी खासी कर सकते हो क्योंकि Snapdragon 675 आपको वहां पे मिलता है। Vivo U20 और Redmi Note 8 का अगर आपको डिटेल कंपैरिजन देखना है तो अगेन लिंक आपको यहां मिल जाएगा। तो फाइनल सवाल आ जाता है भाई फोन आपको ये खरीदना चाहिए या नहीं। मेरे हिसाब से गेमिंग के लिए अगर आप फोन ढूंढ रहे हो और 12,000 से आप ज्यादा स्पेंड नहीं करना चाहते हो तो फिर ये एकदम बेस्ट ऑप्शन है। गेमिंग के लिए आपको इससे अच्छा फोन नहीं मिलेगा इस प्राइस रेंज में। अगर आपको ऐसे कॉम्प्रोमाइजेस नहीं करने हैं तो सिर्फ 2,000 रुपए एक्स्ट्रा डाल के यानी 14,000 रुपए में बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। Realme का ही अपना Realme 6 मिल जाएगा, इसमें फुल HD प्लस स्क्रीन भी है, 90Hz रिफ्रेश रेट भी है, बैटरी चार्जिंग स्पीड भी बहुत तेज है। और एक और बहुत अच्छा ऑप्शन जो आप इस प्राइस रेंज में कंसिडर कर सकते हो वो है Realme 5 Pro जो पिछले साल आया था। वहाँ पे आपको बहुत बढ़िया Snapdragon 712 मिल रहा है, कैमरा इससे बहुत बेटर मिल जाएंगे, बैटरी चार्जिंग स्पीड तेज है, स्क्रीन भी फुल HD प्लस है। बस ये 5,000 mAh बैटरी आप मिस करोगे, बाकी सब चीज वहाँ पे बढ़िया मिल रही है। तो मतलब वही है कि अगर आपका बजट स्ट्रिक्टली 12,000 है तो ही फिर मैं इसको रेकमेंड करूंगा। उससे अगर